हेलो ट्रेडर्स वेलकम टू एंड स्टॉक्स वंस अगेन टुडे देखिए एमेजॉन यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी ई e कॉमर्स कंपनी को झटका लगा है सीसीआई से और रिलायंस और फ्यूचर रिटेल ग्रुप की जो डील है उसको मिल गई है हरी झंडी आपको पता ही होगा देखिए हमने पूरी न्यूज को कवर किया है टाइम टू टाइम किस तरीके से अमेजन ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जाकर रिलायंस और फ्यूचर रिटेल ग्रुप की जो डील थी उसको रोका उसके ऊपर ऑब्जेक्शन क्रिएट किया और अब फाइनली सीसीआई ने यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उसको ग्रीन सिग्नल दे दिया है उसको अप्रूव कर दिया गया है अब शायद आपको कल से वापस से फ्यूचर रिटेल के अंदर फ्यूचर रिटेल की जो कंपनीज हैं उनके अंदर अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे सकता है और जो रिलायंस के अंदर गिरावट आई है वो भी कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि अब जो नए ट्रेडिंग सेशन होगा नए हफ्ते का मंडे से वहां से आपको वो थमती नजर आ सकती है बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है ये रिलायंस के के लिए लिए भी भी और फ्यूचर रिटेल के लिए भी पूरी डिटेल आपको दिखा रहा हूं एक आर्टिकल के थ्रू देखिए एक आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं लाइव मिनट का सीसीआई अप्रूव फ्यूचर ग्रुप रिलायंस रिटेल डील सेट बैक फॉर एमेजन देखिए रिलायंस ने 24,700 करोड़ रुपए का निवेश करके फ्यूचर रिटेल को अपने अंदर सम्मिलित करने का जो फैसला लिया था उससे रिलायंस की जो रिटेल पार्ट थी वो हिंदुस्तान में सबसे बड़े होनी जा रही थी और जितने भी एक्सक्लूसिव शोरूम्स हैं फ्यूचर ग्रुप के उन सब के ऊपर रिलायंस का कंट्रोल आने जा रहा था जिसको बेसिकली ऑब्जेक्ट किया था एमेजन ने डिटेल अभी आपको दिखा रहा हूं क्या है रिलायंस रिटेल विल नाउ हैव एक्सेस टू क्लोज टू एटीन हंड्रेड स्टोर अक्रॉस फ्यूचर ग्रुप्स बिग बाजार एफ बी बी इजी डे सेंट्रल फूड हॉल फॉर्मेट्स, विच आर स्प्रेड इन ओवर फोर ट्वेंटी सिटीज इन इंडिया ये जितने भी नाम मैंने अभी पढ़े हैं देखिए सारे आप सभी लोग इन सबसे वाकिफ होंगे मुझे ऐसा जरूर पूरा विश्वास है क्योंकि जब भी आप शॉपिंग करने जाते होंगे तो इनमें से कोई ना कोई स्टोर पे आप जरूर गए होंगे ये सारे के सारे स्टोर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के हुआ करते थे लगभग 1800 स्टोर्स हैं 420 सौ सिटीज के अंदर वो अब सीधे सीधे रिलायंस रिटेल के पास आ जाएंगे रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड आगे देखिए आपको डिटेल में पढ़वाता हूं क्या इन्होंने लिखा है इन ह्यूज फॉर ई कॉमर्स जी एंड एमेजन कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन फ्राइडे अप्रूव द मच एंटिसिपेटेड फ्यूचर ग्रुप रिटेल रिलायंस रिटेल डील कमीशन अप्रूव एक्विजीशन ऑफ रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग बिजनेस ऑफ फ्यूचर ग्रुप बाय रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड एंड रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफ स्टाइल लिमिटेड तो यहां पर देखिए क्लियर कर दिया गया आज यानी फ्राइडे को 20 नवंबर 2020 को के रिलायंस ग्रुप और फ्यूचर ग्रुप के अंदर जो डील होने रही थी वो बिल्कुल सही है एज पर द लॉज है उसके अंदर कहीं से कहीं तक कोई भी ऑब्जेक्शन उठाने की बात ही नहीं है इसलिए रिलायंस फ्यूचर रिटेल के जो भी बिजनेस है रिटेल होलसेल लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग बिजनेस उन सभी का अधिग्रहण एज पर द ड्राफ्ट आगे की तरफ कर सकता है मुकेश अंबानी लेड रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन ऑगस्ट एक्वायर द बिजनेस ऑफ किशोर बियानीस फ्यूचर ग्रुप फॉर रुपीज ट्वेंटी फोर थाउजेंड सेवन हंड्रेड एंड थर्टीन करोड़

फ्यूचर रिटेल का होलसेल और रिटेल जो बिजनेस होगा वो सारा का सारा इसी कंपनी के पास आने जा रहा है द लॉजिस्टिक्स एंड अंडरटेकिंग विल बी ट्रांसफर टू लॉजिस्टिकल डायरेक्टली एज ए रिजल्ट ऑफ दिस रीऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रांजेक्शन फ्यूचर ग्रुप विल अचीव ए हॉलिस्टिक सोल्यूशन टू द चैलेंजेस दैट हैव बाय कोविड एंड द माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट जबकि देखिए लॉजिस्टिक और वेयर हाउसिंग का जो बिजनेस होगा वो डायरेक्टली आर आर वी एल के पास आ जाएगा और इस रिऑर्गेनाइजेशन की वजह से फ्यूचर ग्रुप देखिए जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आया था वो आया था कोविड के चलते जब इन्होंने सरकार से ये भी कहा था कि अगर आप लॉकडाउन लगा रहे हैं तो हम जैसे रिटेल स्टोर्स चेन्स के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रोविजंस जरूर देने चाहिए बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था और उसका रिजल्ट ये निकला कि पूरी की पूरी कंपनी कोलैप्स हो गई और फाइनली इनको रिलायंस के हाथों बिकना पड़ा तो यहां पर बेसिकली देखिए क्या है फ्यूचर ग्रुप के सामने कंप्लीट सोल्यूशन बेसिकली आ गया है सो so दैट की जो कोविड की वजह से चैलेंजेस फेस करने पड़े थे वो सारी की सारी चीजें अब फ्यूचर ग्रुप से शिफ्ट हो जाएंगी रिलायंस के ऊपर रिलायंस उसके लिए ऑलरेडी पैसा दे चुका है यानी कि जो भी डेट है उनका उसके लिए देखिए रिलायंस ऑलरेडी चौबीस 24,713 करोड़ रुपए प्रोवाइड करा रहा है दिस transaction टेक्स into account अकाउंट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल इट्स स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग लेंडर्स शेयर होल्डर्स क्रेडिटर्स सप्लायर्स एंड एम्प्लॉइज गिविंग its टू ऑल इट्स बिजनेस किशोर बियानी ग्रुप सीईओ फ्यूचर ग्रुप अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर इस डील के अंदर क्या है एंड आई थिंक वो इस डील का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जब कोई कंपनी डूबती है या बैंक डूबता है या कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन डूबती है तो उसको कोई ना कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टेक ओवर करती है जैसे यहां पर फ्यूचर ग्रुप को रिलायंस ने टेक ओवर किया अब उसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनी डूब रही होती है जनरली उसके शेयर होल्डर्स उसके लैंडर्स उसके एम्प्लॉय उसके सप्लायर्स उसके वेंडर्स सभी लोग बहुत प्रॉब्लम में होते हैं या तो उनका पैसा डूब जाता है या फिर उनको सिर्फ पार्शियल पेमेंट ही मिलता है वो भी टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से जो कंपनी उनको खरीद रही होती है लेकिन यहां पर रिलायंस ने जो ये एक्विजीशन किया है उससे किसी भी तरह के इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है शेयर भी स्टॉक मार्केट के ऊपर एज ए टीज ही ट्रेड होंगे इसके अलावा अभी जो अभी सिचुएशन है उसके हिसाब से उसके अलावा जितने भी लैंडर्स हैं क्रेडिटर्स हैं सप्लायर्स हैं वो एज इट इज बने रहेंगे सिर्फ फर्क इतना होगा पहले वो फ्यूचर ग्रुप को सप्लाई करते थे अब वो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड को सप्लाई किया करेंगे तो ये बेसिकली एक बहुत मेजर डिफरेंस है रिलायंस जैसी कंपनी जब किसी को एक्वायर करती है उसके फंडामेंटल्स को उसके बेसिक्स को वहां पर बने रहने देती है जिससे कि देखिए जो बहुत बड़ी लार्जर ग्रुप ऑफ चेन होती है किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी हुई उसको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट चेंजेस उनको करने पड़े अपने बिजनेस बिजनेस में और उनका कंटिन्यू चलता रहे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां परिटेल एसेट्स टू रिलायंस इंडियन रिटेलर ग्रुप ब्रीज सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट प्रोविजन इट एंटर्ड इन टू लास्ट इन एपरेट डील विद फर्म यहां पर देखिए एमेजन ने इनको क्या कहा था एमेजन ने देखिए इनको क्या कहा था कि ये जो फ्यूचर ग्रुप अपने आप को अपनी कंपनी को बेसिकली के हाथों सेल ऑफ करने जा रहा है ये एक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो कि हमने 2019 में फ्यूचर के साथ किया था और फ्यूचर हजार भी फ्यूचर ग्रुप का ही हिस्सा है इसलिए ये डील नहीं होनी चाहिए थी और इसी सारी चीज को देखिए देखते हुए वो सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर पहुंचा जहां से उसको देखिए एक इंजंक्शन ऑर्डर मिला जिसकी वजह से यहां पर भी सारी की सारी ये प्रक्रिया करनी पड़ी कि फ्यूचर रिटेल ग्रुप हाई कोर्ट गया दिल्ली हाई कोर्ट और वहां से सारी की सारी चीजें आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दी एमेज रेगुलेटर से आर्बिट्रेशन ऑर्डर एंड नॉट टू अप्रूव द डील देखिए एमेजन ने पूरे जोर कोशिश करी है कि इस डील को ना आगे प्रोसीड किया जाए क्योंकि सीधे सीधे सी बात है कि रिलायंस अब उसका यहां पर इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर उभर के सामने आएगा और रिलायंस भी पूरी जोर कोशिश करेगा कि एमेजन को हर तरीके से बैकफुट पर खींचा जाए बिजनेस टर्म्स के अंदर इसीलिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की जाये थी एमेजन के द्वारा और इसके लिए देखिए वो सेबी के पास गया स्टॉक एक्सचेंजेस के पास गया सीसीआई के पास गया जहां तक भी वो जा सकते थे हर उस ऑर्गेनाइजेशन के पास वो गए हैं कि इस डील को रोका जाए और ये डील बेसिकली अप्रूव ना की जाए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड

ऑब्जेक्शन क्रिएट कर सकता है जो ऑर्डर एस आई ए सी यानी सिंगापुर आर्बिट्रेशन से वो लेके आया है उसकी कोई वैल्यू नहीं है इंडिया के अंदर और इसीलिए देखिए फ्यूचर रिटेल ने एमेजन को बेसिकली कोर्ट में अब घसीट दिया है कि जो लेटर्स उन्होंने रेगुलेटर्स को भेजे हैं उसके अगेंस्ट में उनको जवाब चाहिए अब एमेजन से जवाब चाहिए हाईकोर्ट ऑन फ्राइडे रिजर्व इट्स ऑर्डर ऑन फ्यूचर रिटेल लिमिटेड प्लेआर सीकिंग टू रिस्ट्रेन Amazon फ्रॉम अप्रोचिंग रेगुलेटरी बॉडीज

अपना जो जजमेंट है वो रिजर्व रख दिया गया है और 23 नवंबर की डेट दी है कि सबमिशन फाइल करें बाय 23 ऑफ नवंबर तो ये देखिए देखिए पूरी कहानी थी आज की जिसके अकॉर्डिंग अब वापस से रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप उस डील को आगे अंजाम देंगे और देखिए स्टॉक मार्केट में भी अब इन दोनों स्टॉक्स के अंदर काफी बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं तो देखिए ये वो पूरी ब्रेकिंग न्यूज थी जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए फॉर द नेक्स्ट रीडिंग सेशन ऑफ नेक्स्ट वीक मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में नए स्टॉक के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू जय हिंद